गाइस, दिस इज विजय चौहान और यू आर वाचिंग विजय चौहान ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत खास, क्योंकि हम जा रहे हैं काली चौड़ मंदिर जो है गोलापार में, और हमारा घर भी एक्चुअली वहीं है। यहाँ से पैदल भी जाते हैं लोग, गाड़ी भी जाती है। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है काली चौड़ मंदिर, जो हम जाएंगे अभी। और आज स्पेशल डे भी है, क्योंकि हमारी फैमिली की तरफ से वहाँ पर भंडारा है और हम हो चुके हैं रेडी। एक्चुअली बाकी लोग तो सब चले गए, मम्मी पापा भाभी और मैं हूँ घर में। शिवानी मेरे साथ, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ। जय लग रही शिवानी, जय माता दी। और हम ले चलते हैं अपने शिवाय के पास, जो है बहुत शैतान और वो देख रहा है वीडियो। शिवाय हाय गाइस बोल दो सबको। हाय गाइस बोलो, निकाल दो प्लीज बोल। जय माता दी बोलो। ओम नमः शिवाय। मम्मा बोले बोल दो। अच्छा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? गाइस फाइनली हो चुके हैं रेडी और निकल चुके हैं हम मंदिर की तरफ को। शिवानी कर रही है घर को लॉक और शिवाय चढ़ गया मेरी पीठ पे। चलो शिवाय पकड़ लिया आपने मुझे, चलो सही से पकड़ लो मुझे। और हम निकल चुके हैं और शिवाय बंदर की तरह चढ़ गया मेरी पीठ पे। शिवाय हम कार से चले मंदिर या स्कूटी से? कार से। तो हमारा शिवाय कह रहा है कार से चलते हैं, क्योंकि हो रही है बहुत ज्यादा गर्मी। और यह है गाइस हमारा घर गोलापार का, जिन भाइयों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं फाइनली। काली चौड़ मंदिर है जो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ जंगल के बीच में देखेंगे आप व्यू। जय माँ काली चौड़। सो गाइस आप लोगों ने मंदिर तो देख लिया होगा जो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। प्लीज़ जो भाई ना आया वो आए, वैसे तो जितने हल्द्वानी वाले हैं वो सब आए होंगे, हर कोई जानता है। अब हम आपको ले चलते हैं अंदर जहाँ भंडारा बनना है हमारा। कल रात से काम चल रहा है गाइस, 11 बजे से रात से ही शुरू हो गया था। चलता हूँ सीधे भंडारे में, जहाँ पे भंडारा खिलाया जा रहा है। वो अभी एरिया था जहाँ पे हमारा भंडारे का खाना बनना था, कल रात से ही गाइस काम शुरू हो गया था।
गाइस लग गई थी भूख, अब हमने खाना शुरू कर दिया है और मैं खा रहा हूँ। मेरे साथ है ये दीपक शिवानी। शिवानी तुमने खाया? दीपक कैसा हो रहा भाई? भंडारा तो खैर हमेशा ही अच्छा होता है, कैसा भी आपको बताइए भंडारे का टेस्ट अलग होता है। सो फ्रेंड्स, निपट चुका है हमारा भंडारा, बहुत अच्छा लगा आके और पूरे परिवार के साथ। जय माता दी भंडारा करके। जय माता दी। और आप दोबारा भी करेंगे कभी, आपको बताएंगे अगर माता रानी ने सौभाग्य दिया तो दोबारा भंडारा करने का।